सुनिंदा खड़े हो गए थे और खड़ा होकर बोला था एकदम घाटशिला का ग्राउंड में कि सुनील अभी मरा नहीं है, फिर उसको इंसाफ में मारा गया। हम लोग खुद करेंगे अगर अपना बात आ गया तो। और आने वाला समय आज बता के जा रहा है बनगड़िया की धरती में कि दादा मेरा नंबर अभी हम आप लोगों को देके जाएंगे, हमको डायरेक्ट फोन करिएगा और विश्वास के साथ बता रहे हैं, सुख में याद करिए या नहीं करिए, दुख में जरूर जानना तो याद कीजिएगा, लाइक करना और प्रेम मांगेगा। एक चीज, कभी गांव में बैठिए, कभी गाये बसो, कुली मुड़ाए बसो, चा खाते बसो, एक जिनिस जरूर बोलवे कि हमरा जो है गुजरी वो हमरा के तुमरा दहाय नहीं है रोके नहीं है बोलते पड़वे, हमरा यदि कोनो गलत करबो तुमरा हमरा के हाथ धरे बोलते पड़वे कि ये काजटा गलत होचे, यदि हमादर काका खुड़ारा थाके तो कान धरे बोलते पड़वे कि करण एटा गलत करछी, और अगर ये बात पीएम सिंह को बोल पाइएगा कान पकड़ के वोट फिर दे दीजिएगा, नहीं तो करण मत आप लोग के साथ में और हमेशा। बहुत बात नहीं करके आज हम आप लोग से मिलने आए थे, और सबसे बड़ा बात हमको बहुत खुशी लग लो, हमारा अध्यक्ष मिठू दा, हमारा कृष्णा भाई प्रखंड अध्यक्ष है, हम लोग का आदिवासी दादा है, एक चीज पूछ लीजिए बाबा को, आदिवासी दादा बहुत संघर्ष के बाद ही राज मिला है, आज ना जी हम लोग अच्छा कपड़ा पहन के चढ़ जाते हैं, पिताजी लोग को पूछिएगा कभी घर में बैठ के काका राज है, चपते पैसे खुड़ा बीसीसीएल ऑफिस गिला 10-20 साल आगे, हर जगह कोई ना कोई एक बाप बन के बैठा हुआ रहता था, हम लोग का आदमी उससे पार नहीं हो पाता था जी। आप यही निरसा का धरती में आपका विधायक को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया, क्या कबाड़ लिया, बड़ा बड़ा बात करते हैं, क्या कबाड़ लिया निरसा वाला ने, आज भी बताइए क्या कर लिए। दादा बोलना बहुत आसान है, ठीक है, करने के टाइम अच्छा अच्छा, यही निरसा का धरती है ना जी। गुरदास चटर्जी विधायक हुआ करते थे, सीने पे गोली खाया ना जी, पब्लिक के लिए खाया या नहीं खाया, क्या कर लिया आप लोग, के तो बुरा तो कौन छिलो ननाई छिलो बा। यही धनबाद का धरती में मनिंदर नाथ मंडल को दिन दहाड़े दुर्गा पूजा का अष्टमी में गोली मार दिया गया, क्या कबाड़ लिए, क्या कर लिए। यही धनबाद का धरती में शक्तिनाथ महतो को छलनी कर दिया गोली से, क्या कर लिए। अगर कोई बेटा आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है उसका साथ दीजिए, हम लोग बताएंगे आने वाला दौर क्या कर सकते हैं, हम लोग ये बताएंगे धनबाद को धरती को, अगर आप लोग सब साथ दे दिए विश्वास के साथ बताते हैं, ना हमको जीने का शौक है ना मरने का शौक है, मेरे बारे जो जानता है आज देव अगला इस साल छोड़ के अगला साल परसनाथ को लूट लेता, झारखंडी रा के मारते छिलो चैपले परसनाथ, मेरा रा के स्कूल छाना इला के नमान दिलो एक नीचे के, यही करण मातो है जो रांची से आने के टाइम पहला बाइट दिए छे हमी कि हम ही 15 तारीख का इसको देखबो को तो दम अच्छे बात है, और उसके बाद 15,000 एकड़ में फैला हुआ परसनाथ इस साल देखिए सब चुप हो गया, 17 केस एक दिन में हुआ था मेरे ऊपर पूरा देश में, दूसरा लड़का रहता डर जाता, मिठू दादा लोग जानते हैं 17 केस, और विश्वास नहीं है दादा लोग बाइक चलाते पूछ लीजिएगा, पूरा राज देश का जैन लोग पूछता था कौन है, तो दादा हम आपके लिए तैयार है, हम आपके लिए तैयार है, क्या है कि 2000 से किताब में पढ़ाया जाता है क्या जितेंद्र दा मास्टर है कि झारखंड में सबसे ऊंची चोटी परसनाथ है, हम पूछे थे सवाल सरकार से कि सिर्फ मेरा बच्चा किताबों में पढ़ेगा कि ऊंची चोटी है कि घूम के भी आएगा, और अगर घूम के आएगा तो जेल लोग को औकात कैसे जो हम लोग को रोक देगा, और इसी बात पे हम लोग चले थे, आज भी कभी भी आप चले जाए परसनाथ अभी वो लोग कोई बदमाशी नहीं करता, क्योंकि आपको हमको लड़ना होगा दादा, एक वो विधायक का आवाज नहीं निकला था परसनाथ में, एक वो अगल बगल का कोई बोलने वाला नहीं था, जब करण मौत तो पूरा भोकाल बनाया तो सब दादा लोग बोला, और सीएम भी बयान दिया था कि परसनाथ हम लोगों का, आप हम नहीं लड़िएगा कुछ नहीं होने जाना है, देखिए दादा सौभाग्य है ईमानदार का सर्वोत्तम नीति वोट है, लेकिन कतो लोग ईमानदार है, देखें 50,000 पहले पहले पोखरे बिजबिहार घर जाबे केव काको नहीं बोलबे कि पायसी भैया तुम ले 10,000 केव काको नहीं बोलबे, बोलबे की आगे घोड़ा रखे है घर पर बात कर ले कि दादा डाढ़ा ले नहीं रुपए तुम बोलो कथा जाते तुम जाची अच्छी तरह दादा सोची टाके धरते हो, अब सच यही है कि लड़ने के सिवा हम ठाकुर जी के पास कुछ नहीं है, क्या कुछ, कोई मसीहा नहीं आएगा,
कि आपको आगे हिला या डुगडुगी बजा देगा और आपका चमत्कार हो जाएगा। अगर एक बच्चे को भूख लगता है तो तब तक उसकी माँ खाना नहीं देती है जब तक बच्चा होता नहीं है। ये तो आपको नियोजन चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, इसके लिए तो दादा कोई देने वाला नहीं है। आपको लड़ना होगा क्योंकि आपके हक पे कोई आके बैठा होगा, तभी ना आपको नहीं मिल रहा। आपका कोई खा रहा है ये मत सोचिए कि आपको नहीं मिल रहा, आपके जगह पे कोई खा रहा। हम लोग बोलते हैं ना कि माइंस में वार कब्जा छे, हम कमजोर है इसलिए उसका कब्जा, ये तो कोई नहीं बोलता। कोई बोलता है कि हमारा कमजोर अच्छी तो वो वार कब्जा छे। दादा ये अभी बताया कि माफिया लोग बड़ा जाल मारता है, हम लोग छोटा जाल मारते हैं तो हम लोग को मछली नहीं होता। दादा पहले जाल मत मारिए, पहले वो माफिया लोग को मारिए, जाल तो वहां ऐसी पड़ा रहेगा। दादा लड़ना होगा, दूसरा कोई उम्र नहीं। आप जिस देश में पैदा हुए उसका इतिहास है। भारत गुलाम था, लड़की मिला, भारत राजा रजवाड़ा हुआ था, बाहर का लोग आके लड़ा, मुगल लड़ा ना जी, भारत हमेशा लड़ता रहा। आपका देश 200 साल हो, 100 साल हो, 50 साल हो, हम लोग बिहार में थे ना दादा, हमारा पूर्वज लोग क्यों जान दे दिया इस माटी का टुकड़ा के। बिहार में उन लोग भी रह सकता था, रह सकता था यार, लेकिन ये भूखंड ये टुकड़ा के लिए जान दिया ना जी। क्यों दिया? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक चीज जान लीजिए शोषित पीड़ित थे और हमें हमारा अधिकार चाहिए था, हमें हमारा संस्कृति भाषा बचाना था। तो कहीं ना कहीं दादा आपको लड़ना ही है। और आज 24 साल हो गया हम लोग नहीं लड़ रहे, इसलिए एक बात बताइए, इस दिन के लिए क्या हमारा बाप दादा जान दिया था कि हमारा सांसद पीएम सिंह उपलिया होगा? इस दिन के लिए तो नहीं दिया था, इसलिए दिया था कि हमारा कोई अपना लोग हो, यही ना सोच के दिया था जी। ये थोड़ी ना सोच के दिया था कि पुरलियार लोग आसपे हम खाटते खा पे हम विधायक बने जाओ, ये जो ने दिए छो की ना, ये जो ने तो नहीं दिए छो हमार के लोग हो, जे समाज को हम ही नहीं बोल छी कि ये हो, लेकिन हमार लोग हो की कका। और यही बीजेपी बंगाल में बंगाली का बात करता है, यही बीजेपी बिहार में बिहारी का बात करता है, यही बीजेपी पंजाब में पंजाबी का बात करता है, यही बीजेपी हरियाणा में हरियाणा का बात करता है, लेकिन झारखंड में झारखंडी का बात करने के लिए उसका नानी मर जाता है, क्योंकि हम लोग एक नहीं, हम लोग का क्या ना कि दादा तू आगे बढ़े जा, पहले ऑफिस लड़ेगा, लड़ना चाहिए मैनसन से ये लोग लड़ेगा आपसे, लड़ना चाहिए लोग डीवीसी का माफिया लोग से ये लोग लड़ेगा, वो यहाँ के दीछे डीवीसी या कि कहना दीवे कहना नहीं दीवे हमारा भी गाय घर बोले ये लड़ेगा इसके साथ ही बेचारा क्या करेगा। लड़ना हमेशा बड़े लड़ते हैं, लेकिन लोग अपने से लड़ लेते हैं और इसका एक कारण है, आपको वो कमजोर समझते हैं क्योंकि आप उसका घर के बगल में रहते हैं। तो कल उठे जाचो नदी दी डेली देखे की तो सारा नदी हाथ पे नहीं जाचे या कहीं पाएगी वो, लेकिन जो अगला माफिया वो सारा फॉर्च्यूनर मारता है उसका चक्का का इतना जिसका हाइट हो रहा है उसको कैसे लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, उससे वो नहीं लड़ पाता है। लेकिन हम एक चीज बता रहे हाथ जोड़ के कि एक होके अगर हम लोग आएंगे तो विश्वास करिए कि बहुत अच्छा परिणाम होगा। और दादा 23 साल के बाद झारखंड जगह है, इसको बर्बाद मत करिएगा, यही बोलेगी 23 साल के बाद झारखंड जगह है तो फिर कभी कोई घर से नहीं निकलेगा। आज बताइए कि सब लोग अपना खर्चा से अपना तेल पानी से अगर माटी के लिए निकला तो कहीं ना कहीं स्वभाव दौड़ जाते अच्छा लोग स्वभाव दौड़ जाते तो हमारा स्वभाव मिले एक भालो निर्णय लिबो ना लिबो पक्का पक्का। तो एक बार जबर आ गए विनोद बाबू की याद कर ली थी वहां धरती बोटे कहने की विनोद बाबू बोल के गए थे पढ़ो और लड़ो, वो बोल सकते थे पढ़ो और नौकरी करो क्योंकि उसको पता था राज मिलने के बाद लड़ाई छिड़ेगा क्योंकि अगला लोगों का कब्जा है और हमें हमारा हक चाहिए तो इसके लिए लड़ाई छिड़ेगा। इसलिए वो शुरू नारा दिए दिए की नारा दिए पढ़ो लिखते पाए तो पढ़ो और जॉब करो बीसीसीएल में क्या और शाम में मंगरी का बैठी और फिर सुबह जॉब बोल सकता था बोल सकता था लेकिन बोला क्या नहीं बोला क्योंकि उनको पता था कि पढ़ने के बाद रोजगार के लिए लड़ना हो ये झारखंड बनने वाला है। तो विश्वास के साथ उस इंसान का इतना बड़ा सोच देके गया तो हम लोग उसके लिए तैयार है ना लड़ने के लिए तैयार है ना।